हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास सेवन्थ के लिए हमने जो चैप्टर अपना मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया फर्स्ट, उसकी वर्कशीट नंबर थ्री करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्कशीट नंबर थ्री चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर। तो देखिए, उसका क्वेश्चन नंबर वन क्या है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता देता हूँ पहले, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर है पी अपॉन में क्यू। तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर और कोई इसका फैक्टर ना हो, यानी कि ये किसी और से डिवाइड ना हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2 और 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल 2/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया। 2 1 2, 2 2 2, 2 2 4, तो ये क्या गया 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या दोनों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ऐसा रैशनल नंबर जो आगे किसी और से डिवाइड ना हो। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 33/77। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 33 और 77 किससे डिवाइड होता है बेटा, 11 से। किससे डिवाइड होता है, 11 से। 11 3 33, 11 7 77। तो 3/7 आ गया, ये क्या इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब बाय चांस आपको नहीं दिख रहा है कि ये किससे डिवाइड होंगे, ठीक है ना, आपको नहीं देख पा रहे हो कि ये दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या करेंगे। मान लो आपको नहीं आता, नहीं पता आपको भाई ये 11 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो उस केस में क्या करते हैं हम। तो आपने इन दोनों का HCF निकालना है बेटा। क्या निकालना है, दोनों का HCF। जो HCF आएगा वो क्या, इन दोनों में कॉमन है, उससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको 33 और 77 का HCF निकालना है। तो ये किससे डिवाइड हो, 3 पे, 3 1 3, 3 1 3। अब ये किससे डिवाइड, 11 से, 11 1 11, ये 7 से, 7 1 7, 7 1 7, तो 11 से, ऐसे। तो अब इसका जो फैक्टर आए वो 3 और 11, इसके 7 और 11, कॉमन कौन है दोनों में, 11। तो इसका HCF कितना आ गया यहाँ पर, 11। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है, जो HCF होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। अगर आपको समझ में ना आए कि हम क्या करें, तो आप आसानी से उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं इसके बाद इसका और पार्ट कराता हूँ कोई। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका आप पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है। -105/98। अब 105 और 98 किससे डिवाइड होते हैं दोनों किससे डिवाइड होते हैं, इनके अंदर जो आपको अब HCF निकालना पड़ेगा। अब आपको नहीं दिख रहा है इनके अंदर कैसे डिवाइड करें इसको, तो इसका मेथड क्या है, या तो आपको पता हो भाई इससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों और उसके बाद आगे किसी से डिवाइड ना हो, तब तो ये तरीका है। या फिर और भी तरीके बहुत सारे बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख लो, आप 3 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। तब इनके बारे में आप ऐसे कैसे पता करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको हम कैसे कर, देखो मैं तो इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 1 7 बच गया 3 और 7 5 35, ये 7 से डिवाइड हो, 7 1 7 बच गया 2, 7 4 28, तो ये क्या आ गया बेटे 15/14, 15/14। तो ये क्या आ गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपको अभी भी समझ में नहीं आया, अभी मैंने इसके अंदर 7 कैसे दिखा, अब मेरे को तो पता है 7 से डिवाइड होगा, बाई चांस आपको नहीं पता हो, तो आपने क्या करना है, HCF निकालना दोनों का। क्या निकालना दोनों का, HCF, और जो HCF आएगा उसी से डिवाइड करना है दोनों को। तो आप इसके चार के चार पार्ट ऐसे ही करेंगे, आपके लिए ईजी है करना, आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सभी को ध्यान से। अब मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड एक्स
such that the rational number is in each of the following pair become equivalent. कहते हैं x को find करो और दोनों rational number क्या हो जाए, equal हो जाए. तो बड़ा आसानी से करेंगे हम. देखो first part 9 upon minus 5 ये equivalent है x upon 10 के. और यहाँ पर आपने क्या करना बेटा, x निकालना है. क्या करना है आपने यहाँ पर, x निकालना है. अब जब दोनों ये इक्वल हों, अब मैंने आपको सिखाया था जब रैशनल नंबर इक्वल होते हैं, मान लो p अपॉन में q और r अपॉन में s, ये बहुत सारे इक्वल है, तो कैसे पता चलता है, ऐसे p और s की मल्टीप्लाई इक्वल आ जाती है r और q की मल्टीप्लाई. क्लियर सभी को? तब हमने क्या करना है यहाँ पर, x निकालना है ऐसे ही. देखो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, 9 की और 10 की करते हैं बेटा 90, एक्स के और माइनस 5 करो तो माइनस का 5x. क्लियर? अब ये माइनस 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 90 को माइनस 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1, बच गया 4, 8. तो x आ गया यहाँ पर माइनस का 18, x क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 18. ऐसे आप इसमें आसानी से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट देखे, सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं हम. सेकंड पार्ट में दिया बेटे 8 अपॉन 7 इक्वल है बेटा किसके, x अपॉन माइनस 35 के. दूसरा तरीका सिखा दूं, एक तरीका और सिखा देता हूं, दो दो तरीके सिखा रहा हूं हर एक क्वेश्चन में मोस्टली, इसमें भी दूसरा तरीका सिखा देता हूं. देखो हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 35 आया. हमने 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 35 आता है. ऐसे ही क्या करना है, इसको भी माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40. क्या आ जाएगा, माइनस का 40. क्लियर? देखो इस नंबर को देखो, 35 है ये. हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 35, नीचे वाले को नीचे वाले से देखना है और ऊपर वाले को ऊपर वाले से देखना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. अब 35 को हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आ जाए, तो हमने आसानी से देख लिया कि 5 से किया, माइनस 5 से. अब हमने 8 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, माइनस 40. तो x कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 40. एक तरीका ये भी है. तो अब इसके दो पार्ट बच गए हैं, वो आप खुद करेंगे. दो पार्ट बच गए हैं इसके, वो आप खुद करेंगे. चलो मैं थर्ड पार्ट और करा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना. क्या दिया आपको, 36 अपॉन में x इक्वल टू 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बेटा, 1 होता है. तो यहाँ से x निकालना है. क्या निकालना है यहाँ से, x. देखो ये तो वही तरीका है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो. या दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे देख लो, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 18 से. 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 18 से, तब 36 आता है. तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना, 18 से. तो x कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 और 1 की मल्टीप्लाई, 36 आ गया बेटा, 2 की x से करेंगे 2x आ जाएगा. तो यहाँ से x कितना आएगा, 2 डिवाइड में चला गया 36 अपॉन में 2, तो ये आ गया 18. तो x कितना आ गया यहाँ पर, 18. ऐसे थर्ड पार्ट भी हो गया. अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी करने के लिए, आप बाद में उतार सकते हैं उनको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेटमेंट है, चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. कहता है चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है, इफ नॉट राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर नहीं है तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. तो फर्स्ट चेक करते हैं हम, माइनस का 13 अपॉन में 19, माइनस 3 अपॉन में 19. अब 3 और 19 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसका मीनिंग क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया, 4 अपॉन माइनस 7. अब 4 और 7 भी आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसका मीनिंग ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. उसके बाद क्या, थर्ड पार्ट देखिए, 14 अपॉन 35. हाँ ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 7 से, क्योंकि 7 टू जा 14 और 7 फाइव जा 35, तो 2 अपॉन में 5 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसका आंसर आता 9, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बदल दिया, 2 अपॉन में 5 आ गया. इनका आंसर क्या आएगा, यस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे.
इसका फोर्थ पार्ट आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर फाइव कराता फोर कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर भी थ्री पार्ट्स हैं। अब आप मेरे को बता, मैं आपको इसमें से ऐसा कर लेते हैं, हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे दोनों पार्ट, फर्स्ट और थर्ड। तो सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, वो देखिए क्या करना है। 36 अपॉन में फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू -4 अपॉन में 9, ओके, -84 अपॉन में फिल इन द ब्लैंक्स। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इसके अंदर, ये फिल करने हैं। भी बड़ा आसानी से फील करना आपने, ध्यान से देखो, ये इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। कब इक्वल होते हैं, जब ऊपर और नीचे वाले दोनों इक्वल होते हैं। देखो हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 36 आया। हमने -4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 36 आ जाए 9 से, क्योंकि 4 9 जगह होता है 36, बट इसका क्या माइनस था, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -9 से, ताकि प्लस हो जाए। तो हमने इसको भी क्या करना है, -9 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, और 9 और 9 की मल्टीप्लाई 81, और आगे क्या आ जाएगा माइनस। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पर देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 84 आ जाए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 84 आ जाए। या ऐसे डिवाइड करके देख लो, 84 को 4 से डिवाइड कर लो, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और 1 21। इसका मीनिंग है 9 को भी आपने, इस 9 को भी 21 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 9 और 18, यानी कि 189। क्लियर सभी को, ऐसे करेंगे आप इसमें। चलो मैं एक पार्ट और करा देता हूँ, आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, करा देता हूँ एक पार्ट और, दोबारा समझिए। देखिए थर्ड पार्ट, अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी बेटा, वो ज़रूर देखें, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सी बातें उसमें बताई है मैंने। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता, वीडियो को रोक के दो बार तीन बार ऐसे देखा करो, जल्दी समझ में आएगा फिर, ठीक है। देखिए भाई, 105 अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन में 99 माइनस, माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 11, ओके। देखिए भाई, ये इक्वल हैं, यानी कि 11 से क्या आया हुआ, 99, 11 से क्या आया हुआ है, 99, वो भी माइनस, वो भी कैसा हुआ, यहाँ पर माइनस आया हुआ है। तो आपने देखना भी किससे मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड करके देख लो, 99 को माइनस 11 से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 9, 11 9 जा 99। तो इसका मैंने कहा इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से। तो 94 को -5 से करेंगे तो माइनस का 45 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 45। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को, ठीक है। 95 से क्या आएगा, 45, ठीक है, डन, ओके। अब देखिए क्या करना है उसका, देखो अब इसको चेक करना हमें, इसके साथ तो एक कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेंथी चली जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके साथ चेक कर दें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 105 आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 105 को -5 से डिवाइड कर लो, 105 को -5 से डिवाइड कर दो, 5 टू ज़ा 10 और 5 वन ज़ा 5, तो यानी कि -21 से, किससे मल्टीप्लाई किया, -21 से। तब आपने क्या करना है, 11 को भी -21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो 11 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 2, 1 3 2 3 1, तो क्या आ गया ये 2 3 1, तो माइनस का 2 3 1, माइनस का 2 3 1। तो आप इसको ऐसे करेंगे, क्लियर। हाँ, इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ इसको कर सकते हो, सभी ये बराबर हैं आपस में, क्लियर है सभी को। तो आप इसको ऐसे करेंगे बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट अब आप खुद कर लेंगे, ओके बेटा। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।